हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है 2025, इस 2025 में किस तरीके से गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेज आप रिसीव करेंगे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, और आपका हेल्थ कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ डिवाइन वार्निंग आएंगे जो नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कर लेनी चाहिए वो सब आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली है। डिवाइन गाइडेंस भी फुल मिलेगा, अफर्मेशन भी कुछ बताऊंगी जो आपके 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो ये सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे आपके लिए आ चुके हैं। कुछ और भी कार्ड्स मैं लेना शुरू करती हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में नए नए आ रहे हैं। पुराने लोग भी रहेंगे लेकिन नए लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि आपका रेसिडेंस, आपका जो जगह है जहाँ रह रहे हो वो बदलने वाला है। ठीक है, जहाँ रहते हो शायद वहाँ पे आप नहीं रहोगे, दूसरी जगह जा रहे हो, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको बहुत निगेटिव फील होता है, निगेटिव एनर्जी सी फील होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ के लोग निगेटिव हैं, यहाँ का प्लेस अच्छा नहीं है, मुझे अपने प्लेस को चेंज करना चाहिए। तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, और वेल बीइंग आपके लाइफ में बहुत रहेगा 2025 में। आप कंसिस्टेंटली बैलेंस रहेंगे और उसको मेंटेन करके रखेंगे, मतलब जो आप सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, जो आप एम्पायर खड़ा करेंगे वो ढहेगा नहीं, वो ढह नहीं जाएगा, बल्कि वो स्ट्रांगली रहेगा और बहुत बैलेंस रहेगा। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस रहेगा, लेकिन कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, मतलब अपना अटेंशन सही जगह पे रखना है, अपने आप को भटकने नहीं देना है, जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के साथ जुड़ना है। प्लेसेस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों का फॉरेन हो सकता है, कुछ लोगों का अपने स्टेट में ही हो सकता है या दूसरे स्टेट हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। हो सकता है पढ़ाई कंप्लीट करके आप नया जॉब में ज्वाइनिंग कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी या ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। इस साल आपका ट्रेनिंग भी होगा, तो जो कुछ भी है आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। तो फाइनली आप जो एक लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे और जो मूड स्विंग आपके लाइफ में हो रहा था वो अब फाइनली ख़त्म होने वाला है। किसी भी तरह का कोई भी ट्रबल है वो भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और आप अपने लाइफ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे जो ज़रूरत भरे नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लोगे। आपका फोकस बदल रहा है, जैसे हो सकता है कि आप नए डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, नया फील्ड चूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब देखिए, पेरेंटवुड की एनर्जी है, कुछ लोग हो सकता है इस साल पेरेंट्स बन जाएंगे, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, आप एक अच्छे मदर, एक अच्छे फादर बन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। और साथ साथ अगर आप ये नहीं होते हैं, पेरेंट्स नहीं बनते हैं, तो सिंपली ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी इनर चाइल्ड आपको हील करेगी। ठीक है, पैसे कमाने में हीलिंग योर इनर चाइल्ड विल हेल्प यू मेक मनी। अगर आपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर लिया, मतलब कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए, हील करना अपने आप को शुरू कर दिए, अपना सेल्फ केयर करना शुरू कर दिए, अपना मूड अच्छा रखना शुरू कर दोगे, तो फिर क्या होगा कि आप पैसे भी बहुत कमाने लगेंगे, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो केयर गिवर, टीचर, ठीक है, ये सब आप बन सकते हैं। और मतलब अपना करियर जैसे कि आप बना सकते हो चिल्ड्रन से रिलेटेड, जैसे बेबी सीटर वगैरह हो गए, ठीक है, नानी जिसे कहते हैं, वो सब आप बन सकते हो। अगर आप फॉरेन में हैं तो शुरुआत ऐसे मतलब कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। डोंट फॉरगेट टू नर्चर योर सेल्फ, अपने भी इनर चाइल्ड को हील करना है और किसी बच्चे को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसी के थ्रू आपको हो सकता है पैसे मिले, नर्स वगैरह आप बन सकते हो। ठीक है, जिसमें आप अपने पेशेंट को भी हील कर सकते हो, सिर्फ बच्चे को नहीं। तो वाइल यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, आपको अपने आपके ऊपर भी ध्यान देना है, अपने आप को भी नर्चर करना है, पैम्पर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एंजल ऑफ कम्फर्ट। तो यहाँ पे आप रोते धोते बहुत हो, रोना धोना आपका बंद हो रहा है, फिजिकली आप बहुत फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, बहुत सारे एक्शंस लेंगे। कमेंट में लिख सकते हो आई एम एबल टू लेट गो। आप लेट गो नहीं कर पाते हैं जल्दी, आप ग्रजेस बहुत होल्ड करके रखते हैं, किसी को भूल नहीं पाते हैं, तो वो आपके अंदर क्षमता आ रही है कि लोगों को भूल पा रहे हैं, रोना धोना आपका बंद हो रहा है। कमेंट में लिख सकते हो आई एम एट पीस, ओके, और ऐसे भी लिख सकते हो आई अलाउ माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग।
एंड एक्सप्रेस देम थ्रू माई फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। मतलब आप अपनी फीलिंग को भी लोगों के सामने, अपने टैलेंट को भी आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और डिज़ायर आउटकम आपको मिलने वाले हैं इस साल, जो भी टॉक्सिन है वो आपके बॉडी माइंड इमोशन विंग से निकल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल क्या रहोगे, फ्री रहोगे, ठीक है। होल्ड बहुत करते हो ग्रजेस, नेगेटिव चीज़ें उसको फ्री कर रहे हो। द यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स, यूनिवर्स आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है मनी ऑफर आपको बहुत सारा मिलेगा, और एंजल्स और स्प्रिट गाइड हमेशा आपके साथ होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, जब आप अपना काम करते रहोगे, जब आप अपना वर्क करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लव लाइफ की बात अगर की जाए, लव लाइफ कैसी रहेगी, सो सभी लोग आई एम अलाइन विद द डिवाइन ऐसे लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। बॉडी की अगर बात की जाए, आपका पेन रहता है, ठीक है, बोन्स वगैरह में, स्पाइनल कॉर्ड मसल्स में, ये सब ठीक हो रहा है, हेल्दी हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो और अलाइन हो रहे हो। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं किसी न्यू पर्सन को, न्यू रिलेशनशिप को, न्यू पार्टनर को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हो। और आपको जो भी चोट लगा है लव लाइफ के मामले में, वो चोट जख्म भरने वाला है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल अनस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल अनस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।